कैसे आप लोग, होप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय थर्ड ब्लॉग। ये मेरा थर्ड ब्लॉग होगा आज का। एंड एक्चुअली आज संडे है तो काफ़ी ज़्यादा काम हुआ, मॉर्निंग से लेट सो के भी उठना हुआ, क्योंकि संडे के दिन बेसिकली हम लेट ही उठते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, वीकडेज में काफ़ी ज़्यादा जैसे ऑफिस का काम होता है तो हमें टाइम नहीं मिल पाता कि मैं घर को कुछ भी अरेंज कर पाऊँ। आज संडे के संडे, आज ही नहीं मतलब जब भी कभी संडे आता है ना तो मैं घर के लिए जो है टाइम पूरा देती हूँ, लाइक घर को अरेंज करना, क्लीन करना, तो आज वो सब काम किया है मैंने। अभी जाके सारा काम फिनिश हुआ है और लंच भी बना लिया मैंने, तो नाउ अभी भूख लग रही है बहुत तेज़, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने लंच में क्या बनाया है। लेट्स सी। हाँ सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने लंच में आज क्या बनाया है। तो लंच में मैंने बनाया है ये दाल फ्राई है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको गर्म कर रही हूँ खाने के लिए। और ये है आलू सोयाबीन की सब्ज़ी जो मैंने आज बनाया है, इसको भी अभी हम गर्म करेंगे खाने के लिए। और इस कुकर में जो है राइस है, तो राइस, दाल फ्राई और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी मैंने लंच में बनाया है। और अभी किचन भी अरेंज करना है। एक्चुअली क्या है ना कि जो किचन है यहाँ पे आप देख रहे होंगे बर्तन थोड़ा सा मैसी सा हो रखा है, तो मैंने एक डिश रैक मंगाया है फ्लिपकार्ट से, तो आज वो आ गया है बट अभी तक मैंने उसे ओपन नहीं किया। तो जैसे ही ओपन करती हूँ फिर इसको अरेंज करूँगी ताकि थोड़ा सा ये मैसी सा ना लगे किचन। तो जैसे ही मैं ओपन करूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। सो पहले लंच कर लेते हैं उसके बाद। सो फ्रेंड्स, ये मेरा खाना आप लोग देख सकते हैं जो मैंने दिखाया था आपको, दाल चावल और ये साथ में प्याज। तो अभी हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी लंच हो गया है एंड मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने किचन के लिए मंगाया था डिश रैक उसको ओपन करके देख लूँ और अरेंज भी कर दूँ अभी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको ओपन करके। सो फ्रेंड्स, ये देखिए आ चुका है डिश रैक जो मैंने आपको बताया भी था। तो अभी मैं इसको ओपन करके देखती हूँ कैसा है। ज़्यादा बड़ा नहीं मंगाया, एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे स्पेस भी कम है और ये यहाँ पे मैं ज़्यादा लगेज भी नहीं करना चाहती हूँ, तो इतना ही चीज़ें मंगाओ कि जितने में मतलब काम चल जाए। तो काफ़ी ऐसे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगेज भी हो गया है, तो अभी हम जितना ज़रूरत होता है ना बस उतनी चीज़ें ही मंगवाते हैं। तो अभी ये आ चुका है तो मैं इसको अरेंज कर देती हूँ ताकि बर्तन वगैरह जो है वो सेफली इसमें आ जाए, आपको अरेंज करके दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा डिश रैक आ चुका है, मैंने अरेंज भी कर दिया है। आप देखिए इसको मैंने कितने अच्छे से यहाँ पे अरेंज कर दिया है। अब क्या है ना कि बर्तन धो के जब हम इसमें डालेंगे तो जो पानी होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, तो इधर में जो है वो ज़्यादा खराब नहीं होगा, पानी वगैरह नहीं होगा इधर। तो ये मैंने अभी अरेंज कर दिया है, अब सही लग रहा है फाइनली। सो फ्रेंड्स, अभी मैं सो के बस उठी हूँ, काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था आज। सारा काम करने के बाद इतनी नींद आ गई कि बस अभी नींद खुली है, वो भी वो बॉबी आके उठाया कि उठो शाम हो रहा है काफ़ी, वो चाय बनाने गया है, चाय बना रहा है। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, यहाँ पे बारिश सा हो गया है पूरा मौसम, इतने दिनों से इतनी गर्मी थी कि हालत ख़राब हो रखा था। अभी आज चलो मौसम कुछ चेंज हुआ है ना तो अब सही रहेगा। फिर तो दो तीन दिन से ना इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली। सो अभी बॉबी चाय बना रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बना रहा है वो चाय। सो फ्रेंड्स, अभी बॉबी चाय बना रहा है यहाँ पे। बेसिकली चाय बनाने का ड्यूटी इसी का है, देखिए कैसे चाय बना रहा है। तू तो बनाती नहीं है तो बनाने का मुझे पता है। क्योंकि चाय तू ही अच्छा बनाता है ना, इसलिए तेरे को बनाने के लिए बोलती हूँ। तो कभी बना लिया कभी। अच्छा तू अच्छा बना ही लेता तो मैं नहीं बनाती हूँ। कभी मैं भी तो पी लूं अच्छे ना तो। जब तेरे से नहीं बनेगा अच्छा तब बनाऊंगी। देखना अभी मैं, क्योंकि ध्यान से बनाना वरना पता चले रोज की तरह गिरा दिया। अच्छा मैं डेली नहीं गिराता, अगर तू इतना ही डर है तो आगे बना लो। तो कुछ सिखाना भी पड़ेगा ना कि तू गिराया ना करे, कब सीखेगा? हाँ मुझे सीखे कहाँ जा रहा, सीखना तुम्हें, तुम सीखो। इसको चाय बनाना बहुत अच्छा आता है, डेली मॉर्निंग का हो या इवनिंग का यही चाय बनाता है। सो अभी हम चाय पियेंगे जब ये चाय बन जाएगा। अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया, बारिश सा मौसम हो रहा है बाहर। सो चाय का तो अभी बेसिकली जब मौसम ऐसा हो तो और भी मन होता है कि चाय पिए हम। सो चाय बनता है फिर हम देखते हैं, चाय पीते हैं। सो फ्रेंड्स, चाय बन गया हमारा, अभी हम चाय पियेंगे। हम अभी लेके आ रहे हैं, जल्दी लेके आओ, बन गया ना? हाँ बन गया। ये लो चाय पियो। चाय
सो आज का संडे तो वैसे ही निकल गया, बस काम वाम में, और अभी बस सो के उठे हैं तो चाय पी रहे हम। काफ़ी का ज़्यादा काम हो जाता है संडे के दिन, वैसे भी इतना कुछ अरेंज करना होता है, बहुत सारा काम। अब मौसम अच्छा हो रहा है ना, तो मन कर रहा है कुछ खाने का, है ना। हाँ मौसम अच्छा हो रहा है, शाम में आंधी आई थी ना, बारिश का मौसम किया हुआ है तो अच्छा मौसम हो रहा है। क्या खाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बनाएं? कुछ फास्ट फूड टाइप का बनाते हैं। जैसे? जैसे चौमिन बना लो। चौमिन? हाँ वो बहुत दिन हो गए खाए हुए, तो चौमिन अच्छा रहेगा, जल्दी बन भी जाएगा। ठीक है तो चौमिन ही बनाते हैं क्या? हाँ बना लो। चौमिन है या लाना पड़ेगा? नहीं है, घर में तो है, काफी दिन से पड़ा हुआ है, लेकिन चौमिन बनाने का टाइम भी नहीं मिलता, तो चलो आज क्योंकि संडे है, टाइम भी है, तो चौमिन ही बनाते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स जैसे चौमिन बनाते हैं और आप लोगों से मिलते हैं। देखिए अभी हमने चौमिन के लिए निकाल लिया है, तो अब मैं चौमिन के लिए तैयारी करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसको बॉईल करेंगे, बॉईल करने के लिए इसको पहले निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा ना ऐसे तोड़ देते हैं कि ये बॉईल होने में प्रॉब्लम हो। So, ये हम उसमें डाल रहे हैं बॉईल होने के लिए। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब हम इसको फ्राई करेंगे। तो अभी थोड़ा सा पानी और इसमें मिला देती हूँ क्योंकि पानी कम लग रहा था। इसमें थोड़ा सा ना रिफाइन डालना डाल दे रही हूँ क्योंकि इससे क्या होगा कि ये थोड़ा अलग अलग रहेगा, आपस में चिपकेगा नहीं। तो अब इसको बॉईल होने देते हैं, जैसे ही बॉईल हो जाएगा देन आपसे मिलते हैं आगे की रेसिपी के साथ। सो फ्रेंड्स अब ये देखिए ये चौमिन बॉईल हो चुका है, तो हमने इसे निकाल लिया है। अब कढ़ाई में हम तेल डाल के इसको फ्राई करेंगे, तो तेल अभी निकाल लेते हैं। ये इसमें मैंने रिफाइंड डाला है, अभी तेल डाल दिया है, इसको गर्म होने का वेट करेंगे। मैंने यहाँ पे इसमें डालने के लिए ये प्याज कट कर लिया है और ये शिमला मिर्च है। प्याज को मैंने इस तरीके से कट किया है, ये अच्छा लगता है अगर ऐसे करके कट करते हैं तो। अब ये जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे, तो वेट कर लेते हैं गर्म होने का। तो फ्रेंड्स अभी तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम अभी प्याज डालेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा हल्का फ्राई होगा तब शिमला मिर्च डालेंगे। ये अभी हल्का फ्राई हो गया तो इसमें मैं शिमला मिर्च भी ऐड कर देती हूँ, अब दोनों एक साथ ही फ्राई हो जाएगा। तो जब तक ये फ्राई हो जाता है हम वेट करते हैं, थोड़ा सा जब फ्राई होगा तब इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। सो अभी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा ना थोड़ा सा ये हल्दी डालेंगे सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि मेरे को वाइट वाइट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो ये अगर सिर्फ कलर रहेगा तो अच्छा लगेगा। अभी मैंने इसे मिक्स कर दिया है, अब इसमें मैं मिलाऊंगी ये मैगी मसाला, इससे अच्छा टेस्ट आता है। तो ये भी अभी इसमें फ्राई हो गया है, अब हम इसमें चौमिन को मिक्स करेंगे। अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है यहाँ पे, अब इसमें बस नमक ऐड करना बाकी रह गया है, बाकी सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी। तो इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार आप मिला सकते हैं।
अब मिक्स कर देंगे। तो अब बन गया हमारा चौमिन, आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब इसको हम बंद कर देते हैं। आई नो कि मैं से कुछ मिस्टेक्स हुई होगी क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कुक, अभी मैं थोड़ा सीख रही हूँ, तो अगर कुछ गलत हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ताकि मैं आगे उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो अभी हम उसको निकालते हैं खाने के लिए। सो फ्रेंड्स, हमारा चाउमीन बन गया है। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। संडे का दिन आप लोगों का कैसा गया है आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर कुछ मिस्टेक्स हुई हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।